हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में, जैसा आपके सामने है, आईपीओ से रिलेटेड। जी हाँ, टीएसी इंफोसिक लिमिटेड द्वारा आईपीओ अनाउंस किया गया है। तो आज हम इस कंपनी की बेसिक डिटेल और आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीडियो है वो पेड प्रमोशनल नहीं है। अगर आप इस कंपनी में एज ए आईपीओ इन्वेस्ट या अप्लाई करते हो तो जो भी कंपनी का बिजनेस है या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप चेकआउट करके फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी चाहते हो किसी अनदर कंपनी आईपीओ में इन्वेस्ट या अप्लाई करना, तो किसी भी आप थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट जो रजिस्टर्ड हो स्टॉक एक्सचेंज से, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू डाटा, जो ये कंपनी है वो इस्टेब्लिश हुई 2016 में, जी हाँ, जो कि रिस्क बेस्ड सॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, साइबर सिक्योरिटी या इनकी बात करें तो कई तरह की सर्विसिंग प्रोवाइड करती है, ये आप देख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू डाटा, जो ये कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो संख्या रही है वो 56 रही है, जी हाँ, सितंबर 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग, जिनमें से 33 है ऑपरेशन फील्ड में, बाकी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जी हाँ। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से इनके क्लाइंट हैं, उनकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी डिटेल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, जी हाँ। और बात करें आईपीओ में, जी हाँ, आईपीओ की जो इन्होंने प्राइस रेंज फिक्स की है वो 100 रुपये से लेके 106 की है। इन्वेस्टमेंट बेस है, क्वांटिटी पे मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 1,200, उसी हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,20,000 की, मैक्सिमम 1,27,200 जी। और बात करें कि इसमें आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक। टाइमिंग है इसमें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, जी हाँ। और फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर, अगर शेयर मिलते हैं तो उनका फाइनलाइज होगा, अलॉटमेंट फाइनलाइज 3 अप्रैल को, ना मिलने पर रिफंड होगा 4 अप्रैल को, शेयर डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 4 अप्रैल को और उनकी लिस्टिंग होगी 5 अप्रैल को जी। तो ये थी बेसिक डिटेल। उसके बाद ये प्रोस्पेक्टस है, जब भी आप किसी कंपनी में या आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो एक बार कंपनी का प्रोस्पेक्टस जरूर रीड आउट करना चाहिए, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है जी। उसके बाद ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हो कौन कौन सी सर्विसिंग प्रोवाइड करवाती है ये कंपनी और कौन कौन इनके क्लाइंट है जी, तो ये आप देख सकते हैं जी। तो ये थी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप्स हो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर मिस रहा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नोटिफिकेशन प्लस या कहें तो प्रोस्पेक्टस और वेबसाइट, दोनों का लिंक आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।